संसद में मुद्दा तो उठा लिया है, लेकिन उम्मीद कितनी है? उम्मीद तो आज से चालू होगी मैडम, क्योंकि संसद में पहली बार मुद्दा उठा है तो उम्मीद तो बहुत ज़्यादा हो गई। अभी हमारा प्रोटेस्ट करने का जो मकसद है, जो हमारा, वो पूरा होने का संभावना दिख रहा है। 1.5 महीने से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, पर हमें आज कुछ नई आशा मिली है। यहाँ पे डटे रहना है। हाँ, हम लास्ट तक नहीं हटेंगे यहाँ से। जब तक हमें ज्वाइन लेटर नहीं मिल जाता हाथ में, तब तक हम नहीं जाएंगे यहाँ से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2018 और इसकी जो गूंज है अब संसद तक गूंज उठी है। जी हां, तमाम विपक्षी नेता ऐसे हैं जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने आज सीधे तौर पर बात रखी है। अब देखना होगा कि एसएससी जीडी कांस्टेबल 2018 के जो अभ्यर्थी हैं उन पर सरकार क्या उनकी बात सुनती है, उनसे मुलाकात करती है या क्या कुछ आगे होता है। लेकिन जिन बच्चों ने, यानी कि जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था और जो लगातार हर सरकार के नुमाइंदों के पास जा रहे थे या किसी नेता के पास जा रहे थे, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना है, आगे क्या तैयारी है। देखिए, पार्लियामेंट में आवाज़ तो गूंजी है क्योंकि तमाम विपक्षी दल के कुछ नेता ऐसे हैं जिन्होंने आवाज़ उठाई है और आप लोगों का मुद्दा उठाया है, लेकिन मुद्दा तो उठा लिया है, मुद्दे पर सरकार क्या कहती है अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, अभी तो मतलब हम इतने दिन से जो कोशिश कर रहे थे वो आज जाके मतलब कुछ एक नतीजे पे पहुंचा। अब खुश लग रहा है कि हमारा बात पार्लियामेंट में उठा और हम लोग मतलब ये देख के सब लड़का लड़की में हौसला और भी बढ़ गया, उम्मीद और भी बढ़ गया। और भी लड़का लड़की आ रहा है बाहर से, जितना जो स्टेट है सब लड़का लड़की आ रहा है। तो अभी देखेंगे, अभी और भी अगर MP MLA अगर हमारा बात उठाए तो और भी अच्छा होगा। और मतलब हमारा प्रोटेस्ट करने का जो मकसद है, जो हमारा, वो पूरा होने का संभावना दिख रहा है। यानी अब हौसला बढ़ा है क्योंकि संसद तक आवाज़ पहुंच गई है, क्योंकि अभी तक ये हो रहा था कि सरकार तक शायद हमारी आवाज़ नहीं पहुंची है, लेकिन अब आप लोगों की आवाज़ पहुंची है। अब क्या लगता है, उम्मीदें कितनी हैं? और आज नई वैकेंसी भी शुरू कर दी गई है SSC द्वारा, तो ऐसे में कुछ का मनोबल भी टूट सकता है। देखिए, वैकेंसी आना या ये तो पूरा गवर्नमेंट का डिसीजन है। वैकेंसी आने पर हमारा जो इसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं होने वाला है। हमारा मैटर पूरा अलग है, हम लोग मेडिकली फिट है पूरा, मतलब जितना प्रोसेस हम लोग तो क्लियर कर लिए। लेकिन ये वैकेंसी जो नया लड़का लड़की हो वो फिल अप करेगा, इसके लिए भी लंबा प्रोसेस चलेगा, 3 साल इसका प्रोसेस चलेगा फिर से। तो इतने दिन में तो हम, ये तो तुरंत नहीं होने वाला है ना इसका ज्वाइनिंग, तो अभी बहुत देर है। हम लोग अगर कोशिश करें, हमारा जो लड़ाई आगे तक जारी रखे, तो बात कुछ बन सकता है। और भी कुछ यहाँ पर अभ्यर्थी हैं, उनसे बात करेंगे, क्या कहना उनका। देखिए, आज से नई वैकेंसी शुरू होने जा रही है, संसद में आपका मुद्दा उठाया जा चुका है, तो अब आगे क्या जो नेता हैं आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, क्या उन पर भरोसा करेंगे या फिर अब जो वैकेंसी आई है दोबारा से पूरी प्रक्रिया करेंगे? नहीं नहीं, जो पहले से हम लोग कहा है वो तो मुद्दा अलग है, नया वैकेंसी मुद्दा अलग है। अभी तो जो हम संसद में आवाज़ हो रहा है हमसे, मैंने और भी मनोबल हम लोग बढ़ रहा है सब बच्चों को, और जितने बच्चे हैं घर में वो सब आ रहे हैं यहाँ पे, सबको मैंने उम्मीद जगी है कि कुछ होगा आगे चल के। और भी अभ्यर्थी, उनसे बात करेंगे। देखिए, फाइल लेकर आप खड़े हुए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर खड़े हुए हैं, पूरी तरह से मेडिकल फिट हैं, सारे एग्जाम क्लियर कर लिए हैं, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। आज नई वैकेंसी SSC ने निकाल दी है। अब वो जो छात्र हैं जो आज से आवेदन करेंगे, उनके लिए क्या खास मैसेज है, क्योंकि आप जितने परेशान हैं ऐसा ना हो आने वाले भविष्य में वो भी ऐसे ही सड़कों पर खाक छाने। उनके लिए तो हम पहले उतरे, उनको भी समझ आए कि इससे क्या घोटाला चल रहा है। अगर हमको नहीं, टाइम पे रिजल्ट नहीं मिला तो उनको भी नहीं मिलेगा ना। अभी तो कोरोना की वजह से 3-4 साल हो गए बर्बाद हमारे, ऐसे भी अभी उनको भी पता चलना चाहिए। अभी हम लोग भी कर नहीं सकते क्योंकि हम लोग एज बार भी हो चुके हैं हम लोग। संसद तक आपका मुद्दा उठाया जा चुका है, तमाम नेता ऐसे हैं विपक्ष के जो अपना इस मुद्दे को उठा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने फायदे के लिए इस मुद्दे को उठा रहे हो? नहीं, अभी वो कौन से भी फायदे से करे, लेकिन हमारा तो काम होना चाहिए ना। उनका फायदा अलग वो देख लेंगे, लेकिन हमारा जो काम है वो तो पहले को होना चाहिए ना। मतलब आपका ये मानना है कि उनका फायदा हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारा काम होना चाहिए? हमारा काम होना चाहिए कौन से भी तरीके से हो। अभी हम लोग तो 1.5 महीना हो गए, अभी बंदे आ रहे हैं और भी, हम लोग तो ऐसे भी वापस नहीं हटने वाले ना। अभी तो हम लोग को हाईलाइट हो रहे थोड़े थोड़े भी। अभी आज संसद में भी बात उठ गई, उनका फायदा जो हमको मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हमारा काम है वो तो होना चाहिए। महाराष्ट्र की बेटियां दिल्ली की सड़कों पर पिछले 2 महीने से है और लगातार, देखिए इनकी हिम्मत देखिए कि हिम्मत अब तक नहीं टूटी है। दूसरी वैकेंसी आज आ गई है, लेकिन इनका सीधे तौर पर ये कहना है कि वैकेंसी बदले ही SSC कितनी भी निकाल दे, लेकिन हमें हमारी ज्वाइनिंग चाहिए।
शुभांगी क्या कुछ कहना है, जो नुमाइंदे हैं सरकार के क्या उनसे बात हो पाई है, कोई मिलने के लिए तैयार है? संसद में मुद्दा तो उठा लिया है लेकिन उम्मीद कितनी है? उम्मीद तो आज से चालू होगी मैडम, क्योंकि संसद में पहली बार मुद्दा उठा है तो उम्मीद तो बहुत ज़्यादा हो गई अभी तो। हम सभी से मिले हैं, जितने भी पार्टी के लोग हैं, बीजेपी हो गए, कांग्रेस हो गए और आम आदमी पार्टी, संजय सिंह से, उनसे सबसे मिले हैं हम। तो उन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद दी है कि आपका मुद्दा ज़रूर उठाएंगे, तो हमने तो हमारे तरफ से कोशिश की है, बाकी अभी सरकार की बात करेंगे क्या करते। तो शुभांगी लेकिन देखिए वो तो कह रहे हैं कि आपकी आवाज़ उठाएंगे, आवाज़ उठाई भी है, मैं मानती हूँ आवाज़ उठाई है, लेकिन क्या सरकार अपनी नई वैकेंसी को छोड़कर पीछे 2018 में जाकर आप लोगों के लिए सोचेगी, जो सरकार अब तक नहीं सोच रही है, जिन्होंने सोचा ही नहीं, पूरी तरह से आपको रिजेक्ट कर दिया? वैकेंसी के साथ हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सरकार वैकेंसी निकालेंगी, हमारा मुद्दा अलग है, हमारा मुद्दा है जॉइनिंग का, तो हमें जॉइनिंग दी जाए। पहले 2018 के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको सबको जॉइनिंग दी जाए, वैकेंसी भले ही निकाले सरकार पर हमें जॉइनिंग दी जाए, हमारे मुद्दा जॉइनिंग का है। तो ये सरासर अन्याय है, वैसे तो नहीं निकालनी चाहिए पर निकाली है तो हमें हमारे हमारे राइट्स के लिए लड़ना ही होगा। देखिए अगर बात की जाए तो देश के गृह मंत्री या देश के प्रधानमंत्री गुजरात से ताल्लुक रखते हैं, गुजरात के INC शक्ति सिंह गोहली ने आवाज़ उठाई आप लोगों की संसद में, राज्यसभा में, क्या लगता है कि वहाँ के एक नुमाइंदे ने आवाज़ उठाई है तो आवाज़ जल्दी पहुँच जाएगी? ज़रूर पहुँचेगी मैम, पहुँच चुकी है लेकिन रिएक्ट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि बंगाल में चुनाव चालू अभी तो, इसलिए पहुँची है और आगे भी पहुँचेंगे हम, और भी बात करेंगे और लोगों से कि सर हमारी बात पहुँचाइए, तो जब बात पहुँचेंगी तभी तो इस पर हल निकलेगा। तो हम चाहते हैं कि सरकार तक बात जल्दी से जल्द पहुँचे, हमारा जॉइनिंग का मुद्दा है और हमें जॉइनिंग दी जाए पहले, बाकी वैकेंसी का कोई लेना देना नहीं है हमारे साथ, हमारा मुद्दा जॉइनिंग का है तो हम चाहते हैं हमारी नियुक्ति की पे। यानी वैकेंसी निकली है, वैकेंसी से आप लोगों को किसी तरह का कोई डर नहीं है? नहीं है मैम, वैकेंसी का डर ही नहीं है हमें जॉइनिंग का मुद्दा है हमारा, हमें जॉइनिंग चाहिए और 1 लाख से कई पद खाली है उस पर जॉइनिंग दो हमको, पहले सरकार जॉइनिंग दे हमें, बाकी कुछ नहीं। अगर वैकेंसी निकाल भी रही ना तो अगले जो भी स्टूडेंट उनके साथ ऐसा ही होगा जैसा हमारे साथ हुआ है। ठीक है, आप बताइए कि जैसा कि अभी शुभांगी ने कहा कि हमें ज्वाइनिंग चाहिए, हमें नई वैकेंसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन नई वैकेंसी में आप लोगों की तरह ये अभ्यर्थी पूरी तैयारी करके आएंगे, पैसा खर्च करेंगे, परिवार से पूरी तरह से उन्हें सहारा मिलेगा, उन्हें सपोर्ट मिलेगा, उनकी उम्मीदें भी ऐसे टूट सकती हैं, उनके लिए क्या खास संदेश हो सकता है, क्योंकि आज से जो तैयारियाँ हैं वो सब शुरू कर देंगे, आवेदन आज से शुरू हो चुके हैं? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, हो सकता है ऐसी वैकेंसी तो उतनी रहेंगी पर पता नहीं, आज हम यहाँ आए कल वो भी हो सकते हैं, और सरकार ने सोचना चाहिए नई वैकेंसी निकालने से पहले। हम लोगों का एक मुद्दा अभी जो आज ही मतलब इतने दिनों से 1.5 महीने से हम लोग कोशिश कर रहे हैं पर हमें आज कुछ नई आशा मिली है, अगर आज से कुछ होता है तो पहले हम लोगों के बारे में सोचिए, और फिर नई वैकेंसी तो आपको निकालनी है, आप उसके बारे में भी जो कुछ भी करना है आप कर सकते, पहले हम लोगों के बारे में सोचे फिर नई वैकेंसी। ठीक है, कल मैंने देखा था, कल मैं आप लोगों के पास आई थी, कल आपके चेहरे जो है बहुत निराशाजनक थे, निराशा थी आज, लेकिन जब संसद में मुद्दा उठाया गया है तो क्या उम्मीद बंधी है, हौसला बंधा है, आगे और स्टे करने की तैयारी है? हाँ ठीक वही है, अभी तो थोड़ी सी हमारी जो आशा थी उसकी किरण बहुत मतलब बढ़ चुकी है, थोड़ा सा हमें अब ऐसा लगता है कुछ हो सकता है, अभी तक तो कुछ उम्मीदें नहीं थी पर अब थोड़ी बहुत उम्मीद है, पता नहीं अब सरकार पे है सब। आप लोगों का क्या कहना है नई वैकेंसी को लेकर और संसद में आपके उठाए मुद्दे को लेकर? अभी हमने तो कोशिश कर ली है, आगे भी करते रहेंगे जब तक हमें ज्वाइन नहीं मिल जाती तब तक। यहाँ से हटना नहीं है, यहाँ पे डटे रहना है? हाँ हम लास्ट तक नहीं हटेंगे यहाँ से, जब तक हमें ज्वाइन लेटर नहीं मिल जाता हाथ में तब तक हम नहीं जाएंगे यहाँ से। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि और भी लोगों से मैं बात करना चाहूँगी और पूछना चाहूँगी कि आपके रहने खाने की व्यवस्था अभी कैसी है? मैडम अभी तो फिलहाल ठीक है, मतलब अभी हम ठीक से अभी लग रहा है जैसे कि कुछ हो सकता है इसलिए हम रुके हुए यहाँ पे, नहीं तो घर वालों की हर रोज़ फ़ोन आ रहे हैं कि क्या हो रहा है बेटा, आपको कुछ हुआ या नहीं हुआ, मतलब परिवार को भी पूरी उम्मीदें हैं कि बच्चे अगर गए हैं, स्टूडेंट्स गए हैं तो वो ज़रूर अपने वर्दी पहन कर आएंगे, ज्वाइनिंग लेटर हाथ में लेकर आएंगे। जी हाँ, मतलब हमारे पेरेंट्स को भी लगता है कि अब तो कुछ होगा हमारे बच्चों का, क्योंकि बहुत दिन से गए थे, अब उनको लग रहा है जैसे कि कुछ हो रहा है हमारे बच्चों का, इसलिए वो बोल रहे हैं ज्वाइनिंग लेटर घर ही आ जाना। तो अपने बच्चों पर उम्मीदें हैं, उन्हें भरोसा है आपके पेरेंट्स को या फिर सरकार पर भरोसा है? बच्चों पर भरोसा है मैम,
अगर सरकार पे भरोसा होता तो अभी तक जॉइनिंग लेटर मिला होता। बच्चों की हिम्मत पर भरोसा है। हाँ, हिम्मत पर भरोसा है। ये हिम्मत कब तक रहेगी? जब तक जॉइनिंग लेटर मिलेगा नहीं तब तक नहीं। रहने खाने की क्या व्यवस्था है? गाजीपुर बॉर्डर पर काफी दिन से आप थे, अभी क्या वहीं स्टे कर रहे हैं? नहीं मैम, वहाँ से निकल गए हम, अभी यही ऐसे घूमते फिर रहे। मतलब अभी कोई स्टे नहीं कर रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं है, खाना बदोश घूम रहे हैं। खाना बदोश घूम रहे हैं हम। बिल्कुल ठीक है। और भी कुछ यहाँ पर स्टूडेंट्स उनसे बात करेंगे। देखिए, कहा जाता है कि देश का युवा यानी कि देश का जो नौजवान है उनमें से आप लोग हो, आप लोगों की हिम्मत जो है वो कभी नहीं टूटती है। और आज जो हिम्मत मिली है आप लोगों को वो इसीलिए मिली है क्योंकि संसद तक आपका जो मुद्दा है वो गूंजा है, लेकिन आज नई वैकेंसी भी आई है। तो दो चीज़ है, एक तरफ ये कि आपकी आवाज़ संसद में गूंजी है, दूसरी तरफ ये कि नई वैकेंसी आई है, तो कश्मकश है बहुत बड़ी। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हम लोग का यहाँ रहे हुए 1.5 महीना हो गया पूरे, शुरू से लेकर लास्ट तक यहाँ है। बहुत चीज़ हुई, आप भी मेरे साथ है, अभी तक देखें, अभी तक हमने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया है। जहाँ तक न्यू वैकेंसी आने की बात है तो सरकार अपने जगह पर वैकेंसी ला रही है, ठीक है लाए। मुझे पता है नित्यानंद राय जी बोले हुए हैं कि यहाँ सीट खाली है 1.25 लाख के अप्रॉक्स, तो सीट खाली और हम लोग लगे हुए हैं। और यहाँ तक कि आज एक न्यूज पता चला है कि संसद में मेरी बात उठाई गई है। अभी तक तो था कि हम लोग का बस आस किए हुए तो उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद टूट चुकी थी पूरी तरह से। लेकिन जब पता चला कि संसद में मेरी आवाज़ उठी है मेरे हम लोग के प्रति, तो थोड़ा सा लगा है कि हाँ अब कुछ चांस बन रहे हैं, तो और हम लोग आगे प्रयास करेंगे बेहतर। बिल्कुल, तो छात्रों की उम्मीद लगातार बरकरार है, छात्रों की उम्मीद नहीं टूटी है। चाहे भले ही कितनी वैकेंसियां आ जाए लेकिन इनकी उम्मीद नहीं टूटेगी क्योंकि इन्हें ज्वाइनिंग चाहिए। कैमरा पर्सन सरताज के साथ मैं काजोल नारायण, न्यूज़ वाल इंडिया।